दोस्तों स्टार प्लस का हिट टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों खूब सारा मिल रहा है। इस सीरियल में लगातार मेकर्स कुछ ऐसे टर्न्स और ट्विस्ट लेकर आते हैं जिसे देखकर फैंस तक हैरान रह जाते हैं। दोस्तों रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के इस सीरियल में अनुपमा और अनुज अलग हो चुके हैं। दोस्तों वही सीरियल के बीते एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि अनुपमा का सामना मालती देवी से होता है और यहां पर वह गुरुकुल के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। अब अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा अपनी यह खुशी सबके साथ बांटेगी। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा मालती देवी की एकेडमी में सारी बात करने के बाद अपने घर लौट आएगी। यहां पर वह अपनी माँ और भाई को बताएगी कि वह अमेरिका जा रही है। इसके बाद अनुपमा को बा का फोन आएगा और बा उसे समर की शादी की बात करने के लिए घर बुलाएगी। अब यहां पर बा साफ साफ कहेगी कि अनुपमा को समर की शादी में हाथ बटाना होगा, वह अकेले सब नहीं कर सकती है। दोस्तों वही सीरियल में हमें आगे देखने को मिलेगा कि अनुपमा बा की बातों को नजरअंदाज करते हुए समर और डिंपू को देखकर खुश होगी और कहेगी कि वह बहुत खुश है, उसके बच्चों की शादी है। इस दौरान जब सब अनुपमा से पूछते हैं कि मालती देवी के एकेडमी में आखिर हुआ क्या, तब अनुपमा सबको बताएगी कि उसका सिलेक्शन हो चुका है और वह मालती देवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। इस दौरान वह सबको अमेरिका जाने की बात भी बताती है। इस पर सब खुश होते हैं लेकिन बा और वनराज थोड़ा मायूस होते हैं, हालांकि वह कुछ बोल नहीं पाते हैं। वही दोस्तों अनुपमा में हमें आगे देखने को मिलेगा कि अनुपमा के साथ सभी मस्ती कर रहे होंगे, तभी डिंपी के नंबर पर अनुज का मैसेज आएगा। उसमें लिखा होगा कि वह माया और छोटी के साथ समर की शादी में आने वाले हैं। यह बात सुनकर अनुपमा शांत हो जाएगी, यानी अब अनुज का अनुपमा से सामना होने वाला है। इससे साफ है कि समर की शादी में भी धमाका हो सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी नई नई जानकारियों के लिए टॉलीवुड लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।